चल रेहान बेश वे पीछे बेश गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आज हम चले हैं राइड पे। हमने ख़रीदा है नया एक्शन कैम जो कि आ गया है मेरे पास, तो आज हम इसका करेंगे रिव्यू। तो मेरे साथ है मेरा छोटा भाई रेहान भट्ट, जो कि पीछे बहुत ही तेज़ी से मुस्कुरा रहा है और हंस रहा है, अपने दांत निकाल रहा है। तो गाइस आज बारिश हुई है, बारिश की वजह से रास्ता बहुत ही ख़राब हो चुका है जो कि बहुत ही डेंजर हो चुका है। तो गाइस आज हम करेंगे एसजे कैम एक्शन कैमरा का रिव्यू जो कि मैंने अभी जस्ट ख़रीदा है, बाय किया है। तो गाइस आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे इस एक्शन कैमरा की वीडियो क्वालिटी कैसी है। तो चलो वीडियो में आप बने रहिए और रास्ते का आप भरपूर आनंद लें। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं इधर सामने बादल ही बादल हैं, क्योंकि कल रात से क्या दो तीन दिनों से यहां पर बारिश हो रही है जो कि बहुत ही मस्त मौसम हो चुका है। तो इस मौसम में तो राइडिंग का पूरा आनंद ही आता है, लेकिन आज मैं उतना दूर तक नहीं जाऊँगा क्योंकि आज तो सिर्फ मुझे इसका टेस्ट लेना है अपने गोप्रो का, अपना ये जो छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक्शन कैम है इसका मुझे आज टेस्ट लेना है। देखूंगा कि इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है, ये मेरे लिए परफेक्ट है मोटो ब्लॉगिंग के लिए या नहीं। अगर ये मेरे लिए परफेक्ट हुआ तो उसके बाद फिर मैं अपना मोटो ब्लॉगिंग चैनल शुरू करूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने पहले भी बताया हुआ था कि मैं आप मोटो ब्लॉगिंग चैनल शुरू करने वाला हूँ। तो इधर से बहुत ही खूबसूरत स्कूटी आई और कुछ नहीं। तो गाइस जैसा कि आपको मैं बता रहा था कि मैं मोटो ब्लॉगिंग चैनल शुरू करूंगा, तो उसके लिए मुझे इस छोटे से एक्शन कैम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जो कि मैंने बाय कर लिया है। और अब देखते हैं कि इस अपने छोटे से एक्शन कैम के साथ अपना प्यार कहाँ तक का चलता है। पहला प्यार है, पहला खुमार है। पहली बार मैंने ये कैमरा ख़रीदा है और इससे पहले मुझे किसी एक्शन कैम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मैंने कोई भी एक्शन कैम यूज़ नहीं किया है। पहली बार मैंने एक्शन कैम लिया है तो इसके बारे में मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है और मोटो ब्लॉगिंग के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। पहली बार मैं मोटो ब्लॉगिंग चैनल बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस आप लोग मुझे अपना भरपूर साथ दें और क्या कहते हैं, मेरी ये जो YouTube की छोटी सी फैमिली है इस फैमिली को एक बड़ी फैमिली बनाएं, बड़ा ज़िला डिस्ट्रिक्ट बना दें। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ और मेरी आदत है ये कि मैं बहुत ही ज़्यादा बोलता हूँ। तो अब यहाँ से हम हो लेंगे वापस, क्योंकि आगे जाना सही नहीं है, आगे मार्केट बंद है और आगे हमारे पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं जो कि मुझे पकड़ लेंगे फिर वहाँ पर कि भाई तू लॉकडाउन में कहाँ जा रहा है। तो इससे बेहतर है कि हम यहाँ से कल्टी मार लेते हैं, राजू कल्टी मार। तो जो कि रेहान भट्ट है वो पीछे फुल मज़े ले रहा है, राइडिंग के भी मज़े ले रहा है और हंसने के भी मज़े ले रहा है। थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों को रेहान भट्ट से मिलाऊँगा जो कि बहुत ही शरीफ बच्चा है, जब उसको अपनी मत आती है तो वो फिर भाई साहब क्या बोलूं मैं। तो चलो अब यहाँ पर हम अपनी बाइक को लगाते हैं साइड में। यहाँ से एक लड़का आ रहा है छोटा सा प्यारा सा जिसका नाम है शेखर। तो गाइस चलो हमने अपनी बाइक को लगा दिया साइड में, अब रेहान उतरेगा नीचे। तो ये है हमारा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा रेहान जो कि बहुत ही क्यूट लगता है और बहुत ही शरीफ लगता है। तो मैं चेक करूँगा कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है। तो गाइस जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि वीडियो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हो रही है जो कि मेरा चेतु बन गया है। नहीं, वीडियो बिल्कुल रिकॉर्ड हो रही है। तो गाइस यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ सामने का, कितना मस्त लग रहा है यहाँ से व्यू। गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये है अपनी प्यारी सी एक बाइक जो कि काफ़ी
टाइम हो गया इसको मेरे पास में। तो गाइस आप इस व्यू के नज़ारे लें, कितना अच्छा मौसम हो चुका है, बादल ही बादल हैं, चारों तरफ बादल हैं, और इस मौसम में राइडिंग का कितना ही मज़ा आता है। ये रिहान, रिहान कहाँ गए थे आप, कहाँ गए थे आप? बेई पे, सुखधार में। क्या करने के लिए गए थे आप? घूमने के लिए। एक बार अपने सब्सक्राइबर को बोल दो कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये कुछ बोल नहीं रहा है, चुप है, इसका मूड अभी ऑफ है। तो गाइस अब चलते हैं हम यहाँ से अपने घर की तरफ, जो कि फिर देखेंगे हम अपने कैम की वीडियो क्वालिटी कि इसमें वीडियो कैसी बनी है। तो अभी बैठ जा रिहान, अब मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि वीडियो बन रही है ठीक ढंग से या नहीं बन रही है। तो जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ कि वीडियो बिल्कुल सही बन रही है, और अभी उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, जब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ जाएगा उसके बाद खुद ही पता चल जाएगा मुझे भी। तो ये जैसे जो सामने से लोग आ रहे हैं, ये बहुत देर से मुझे देख रहे हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है, इसने अपने सर पे क्या लगा के रखा है। सर पे तो इस इनको दिख रहा है कि भाई हेलमेट लगा के रखा है, लेकिन ये देख रहे हैं कि हेलमेट के आगे इस बंदे ने ये क्या लगा के रखा है पहली बार, क्योंकि हमारी साइड आज तक कोई मोटो ब्लॉगर पैदा नहीं हुआ था और पहली बार कोई बंदा पैदा हो गया है। पैदा तो बहुत दिनों से ही हो गया था, लेकिन मोटो ब्लॉगिंग अभी अभी शुरू की है। तो देखते हैं अपना मोटो ब्लॉगिंग के साथ अपना साथ कहाँ तक का चलता है। और अगर ये इस वीडियो की, इस कैम की वीडियो क्वालिटी अच्छी हुई, तो उसके बाद मैं, अब जैसे कि कल ईद आने वाली है, याद तुम ही आओगे, मतलब क्या पता नहीं कैसे कैसे है, क्या बोलते हैं मुझे इसके बाद याद नहीं है, मैं बोलना कुछ और चाह रहा था, निकल कुछ और गया। जैसा कि कल ईद आने वाली है, तो ईद के बाद फिर हम निकलेंगे अपने पधरी जोत की तरफ, जो कि हमारी फर्स्ट राइड होगी। और उसके बाद जैसा कि गाइस कोरोना टाइम जो चला हुआ है, कोरोना ख़त्म हो गया, कोरोना के बाद हम निकलेंगे लेह लद्दाख के लिए, जो कि मेरी 390 KTM ड्यूक भी बुक हो चुकी है। और गाइस दो तीन दिनों के बाद वो भी आने वाली है, और दो तीन दिनों के बाद KTM ड्यूक आएगी, उसके बाद अपनी जो फर्स्ट राइड होगी, जो अपना फर्स्ट ब्लॉग होगा, वो होगा लेह लद्दाख का विद KTM ड्यूक 390, और साथ में होगा अपना छोटा भाई रिहान। तो बारिश की वजह से रास्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं है भाई साहब, हमें ज़्यादा दूर तो जाना नहीं है, बस अपने घर के पास पहुंचने वाले हैं। तो गाइस आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस SJ कैम की वीडियो क्वालिटी कैसी लगी, और ये जिस बजट में ये कैमरा आता है, जो इस कैमरे का प्राइस है, उस प्राइस में ये कैमरा परफेक्ट है मेरे लिए या नहीं है। और इस कैम की जो क्या कहते हैं अनबॉक्सिंग वीडियो है, वो मैंने अपने दूसरे चैनल पर अपलोड कर दी है, और उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसको हेलमेट पे माउंट कैसे करते हैं, वो भी आपको उसी चैनल पे मिल जाएगा, उस चैनल पे वो वीडियो भी मिल जाएगी। तो गाइस अब हम लगाते हैं अपनी बाइक को साइड में और देखते हैं अपने कैमरे की वीडियो।